नमस्कार मित्रों मित्रों भगवद गीता के छठे अध्याय का अध्ययन हमने समाप्त कर लिया है और इस वीडियो में मैं आपको भगवद गीता के छठे अध्याय का सार प्रस्तुत करूंगा तो इस प्रकार से आप भगवद गीता के छठे अध्याय की जो शिक्षाएं हैं उनको एक बार पुनः स्मरण में ला सकेंगे तो चलिए मैं आपको छठे अध्याय का सार प्रस्तुत करता हूँ तो गीता के छठे अध्याय का आरंभ श्री कृष्ण मन के साथ में करते हैं तो जो पांचवा अध्याय था उसके अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मन को नियंत्रण में लाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है तो उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण छठे अध्याय का आरंभ एक इस विचार के साथ में करते हैं कि जो हमारा मन होता है वह हमारा शत्रु भी हो सकता है और वह हमारा मित्र भी हो सकता है मन वास्तव में एक यंत्र के जैसा है जिसका उपयोग आप अच्छाई के लिए भी कर सकते हैं और बुराई के लिए भी कर सकते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मन आपका बहुत बड़ा शत्रु भी हो सकता है और आपका बहुत बड़ा मित्र भी हो सकता है तो वहाँ पर हमने समझा कि किस प्रकार से यदि व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता है तो वह भटक सकता है और संसार में फंस सकता है क्योंकि जो हमारी इंद्रियाँ होती हैं वह बहुत ही शक्तिशाली होती हैं और वह हमारे मन को कहीं भी भटका के ले जा सकती हैं जिस प्रकार से हम अपने जीवन में जो हमारा वास्तविक उद्देश्य है उससे भटक सकते हैं तो इस प्रकार से यदि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो हमारा मन हमारा बहुत बड़ा शत्रु हो सकता है हमें फंसा सकता है वहीं पर यदि हम अपने मन को नियंत्रण में ले आएँ तो फिर हमारी जो इंद्रिया होती हैं वह हमारे मन को भटकाएंगी नहीं और इस प्रकार से हम अपने मन का उपयोग अपने स्वयं का जो वास्तविक स्वरूप है उसको देखने के लिए उपयोग कर सकते हैं और इस प्रकार से मन जो है वो हमारा बहुत बड़ा मित्र हो सकता है हमें इस संसार में जो माया है उसके परे ले जा सकता है तो इस प्रकार से श्री कृष्ण कहते हैं कि मन हमारा बहुत बड़ा शत्रु भी हो सकता है और मन हमारा बहुत बड़ा मित्र भी हो सकता है आगे फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि किस प्रकार से तुम अपने मन को अपने नियंत्रण में ला सकते हो तो वो फिर अर्जुन को मानसिक व्यायाम बताते हैं कहते हैं कि एक स्वच्छ स्थान पर एक अच्छा आसन बनाओ कुछ घास के साथ और वहाँ पर फिर अपने मन को अपनी नाक के अग्रिम भाग पर केंद्रित करो और वहाँ पर केंद्रित रखो इस प्रकार से यदि तुम व्यायाम करोगे तो तो तुम अपने मन को नियंत्रित कर पाओगे ताकि तुम्हारा मन जो है फिर इधर उधर भटकेगा नहीं श्री कृष्ण अर्जुन से ये भी कहते हैं कि यदि तुम्हारा मन भटकने लगे और दूसरी कुछ विचारों पर वो केंद्रित करने लगे तो अपने मन को फिर पुनः केंद्रित कर लो तो इस प्रकार से वो व्यायाम बताते हैं अर्जुन को जिससे अर्जुन जो है वो अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और एक नियंत्रित मन जो होता है वही वास्तव में योग के मार्ग में प्रगति करने में हमारी सहायता करेगा तो श्री कृष्ण फिर आगे ये भी बोलते हैं कि यदि तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना है तो तुम अति मत करो कोई भी जो कार्य तुम करो उसमें अति मत करो ना तो अत्याधिक सो ना अत्याधिक जागो ना अत्याधिक खाओ ना अत्याधिक भूखे रहो तो श्री कृष्ण यही कहते हैं कि अति मत करो जो तपस्वी होते हैं जो कि अति करने लगते हैं वह भी योग में स्थित नहीं रह सकते क्योंकि वो अपनी तपस्या में इतनी अति कर देते हैं कि शरीर को कष्ट देने लगते हैं और उनका जो शरीर होता है वह क्षीण हो जाता है योग के मार्ग में एक स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है तो इसलिए व्यक्ति को उचित भोजन करना चाहिए उचित मात्रा में सोना चाहिए और उचित कार्य करने चाहिए और जीवन के निर्वाह के लिए भी व्यक्ति को कार्य करने चाहिए तभी जो है व्यक्ति योग में स्थित रह सकता है क्योंकि यदि आप अति करेंगे तो आप योग में स्थित नहीं रह सकते तो श्री कृष्ण ने जो अति है उससे बचने के लिए भी बताया अर्जुन को और श्री कृष्ण ने ये भी बताया कि जो योगी होता है वह अपने मन को सदा शांत रखने का प्रयास करता है वह कभी भी उत्तेजित नहीं होता तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि चिल्ला चिल्ला कर चीख पुकार कर ईश्वर को बोलता है या इस प्रकार की कार्य करता है वह व्यक्ति भी वास्तव में योगी नहीं हो सकता क्योंकि मन को अशांत करना हमें योग से दूर ले जाता है तो चीख पुकार के ईश्वर को बुलाने वाला जो व्यक्ति होता है वह भी योगी नहीं होता जो योगी होता है वह वास्तव में अपने मन को शांत रखता है धैर्य रखता है और वह जानता है कि जो दिव्यता है जो ईश्वर है वह तो उसके भीतर ही है तो इसलिए उसे चीख पुकारने की ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं है तो योगी जो होता है वह शांत मन रखता है जीवन की सभी परिस्थितियों में वह शांत रहता है उतार चढ़ाव से वह प्रभावित नहीं होता बाहर के जो भी आवेग आ रहे होते हैं उनको वह है नियंत्रित रखता है क्योंकि उसका जो मन होता है वह उसके नियंत्रण में रहता है तो जो छठा अध्याय है उसके पहले भाग में श्री कृष्ण ने मन को नियंत्रण में रखना और मन को शांत रखना इस पर ही ध्यान केंद्रित किया है और अर्जुन से यही बोला है कि जीवन में यही प्रयास करो कि तुम अपने मन को नियंत्रित रख सको बाहरी आवेगों से इसे प्रभावित ना होने दो तो, और इस प्रकार से अपने मन को शांत रखो अपने मनोभाव को सदा तुम शांत रखोगे तभी तुम योग में स्थित रह सकोगे उसके बाद में श्री कृष्ण अर्जुन से ये भी कहते हैं कि जो योगी होता है वह सभी के भीतर दिव्यता को देखता है वो जानता है कि सभी भूतों में आत्मा स्थित है और वह यह भी जानता है कि आत्मा में ही सभी भूत स्थित हैं तो इस प्रकार से जो योगी होता है वह सभी वस्तुओं में दिव्यता देखता है और संपूर्ण सृष्टि को वह एक ही देखता है और इस प्रकार से वह बाहरी आवेगों से प्रभावित नहीं होता क्योंकि उसको सभी में दिव्यता दिखती है तो यदि कुछ ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है जो कि उसे अच्छा नहीं लगता तो भी वह उसको दिव्यता के द्वारा व्यक्त किए जा रहे एक एक अनुभव के रूप में ही देखता है और यही मानता है कि यह भी दिव्यता का ही एक स्वरूप है तो इस प्रकार से यदि कुछ ऐसा हो रहा होता है जो कि उसे वैसे अच्छा नहीं लगता उससे भी वह प्रभावित नहीं होता और एक शांत मन रखने में वह सफल रहता है और क्योंकि वह संपूर्ण सृष्टि में सभी में दिव्यता देखता है तो इसलिए वह सभी के ओर एक सम मनोभाव रखता है उसका जो मनोभाव होता है वह सबके कल्याण की ओर ही रहता है और यहाँ पे हमें ये भी समझना चाहिए कि कल्याण का अर्थ ये नहीं है कि हम केवल ये सोचें कि हम किसी को मारेंगे नहीं या किसी को पीटेंगे नहीं यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि जो कि बुरे कार्य कर रहा है तो उसको उस बुरे कार्य के लिए एक दंड मिलना ही चाहिए क्योंकि वह दंड यदि उसे नहीं मिलेगा तो वह सुधरेगा नहीं तो इसलिए किसी व्यक्ति का कल्याण करने के लिए कई बार दंड भी देना पड़ता है तो जो योगी होते हैं और जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वह सबका कल्याण चाहते हैं और कल्याण के रूप में कई बार किसी को दंड भी वो दे सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि दंड नहीं देते तो दंड देना जो होता है वह भी कल्याण के रूप में ही होता है तो ये भी श्री कृष्ण ने यहाँ पर अर्जुन को समझाया और मूल रूप से यही समझा है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं जो योग को प्राप्त करना चाहते हैं वो अपने मन को अनुशासित रखते हैं वो सभी में दिव्यता देखते हैं अपने मन को शांत रखते हैं और अपने मन को वह ऐसे अनुशासित रखते हैं कि बाहरी आवोयुगों से वह प्रभावित नहीं होता और ये जो होता है वह अपने मनोभाव में परिवर्तन के द्वारा भी होता है जबकि व्यक्ति बाहरी संसार में दिव्यता को सभी स्थानों पर देखता है और वह सभी का कल्याण चाहता है तो इस प्रकार के वक्तव्यों को सुनने के पश्चात अर्जुन फिर श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि आपने जो बोला वह मैं देख नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरा जो मन है वह विचलित रहता है और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि योग को प्राप्त करने का प्रयास तो करता है किंतु वह योग को प्राप्त नहीं कर पाता क्योंकि मन को शांत कर पाना एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है और यदि कोई व्यक्ति मन को शांत नहीं कर पाता योग में प्रयास तो करता है किंतु योग को प्राप्त नहीं कर पाता तो उसका स्थान कहाँ पर होता है ऐसा प्रश्न अर्जुन करते हैं तो ये प्रश्न जो है अर्जुन का वह स्वाभाविक रूप से इसीलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में कोई भौतिक संपत्ति को प्राप्त करता है तो मृत्यु पश्चात वह अपनी भौतिक संपत्ति को खो देता है क्या इसी प्रकार से आध्यात्मिक संपत्ति को जो व्यक्ति प्राप्त करता है क्या उसे भी वह अपने जीवन के मृत्यु के पश्चात खो देता है इस प्रकार की शंका जो है वह अर्जुन के मन में उत्पन्न होती है तो इसीलिए वह श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि जो व्यक्ति योग में प्रयास तो करता है किंतु विफल हो जाता है मृत्यु पश्चात वह किस स्थान को जाता है तो इस विषय को लेकर फिर श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को आश्वासित करते हैं कि यदि तुम योग की ओर प्रयास करते हो तो वह जो भी प्रयास तुम करते हो वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाता जो व्यक्ति योग में प्रयास करता है वह मृत्यु पश्चात जो अगला जन्म लेता है वह ऐसी ही स्थिति में लेता है जहाँ पर कि ये जो उसकी यात्रा थी आत्मज्ञान की इस आत्मज्ञान की यात्रा को वो वहीं से आरंभ करता है जहाँ पर कि उसने उसे समाप्त किया था तो ऐसा जो व्यक्ति होता है जिसने योग में प्रयास किया किंतु प्रयास में विफल होकर उसकी मृत्यु हो गई तो वह जो अगला जन्म प्राप्त करता है वह या तो किसी ज्ञानी व्यक्ति के यहाँ प्राप्त करता है या वो किसी योगी के यहाँ प्राप्त करता है और इस प्रकार से वह फिर ऐसी स्थितियों में ही जाता है जहाँ पर कि वह योग को आगे भी चला सके वह स्वयं ही योग की ओर आकर्षित होता है और योग में आगे प्रगति करता जाता है श्री कृष्ण फिर आगे जो छठा अध्याय है उसका अंत ये कहकर कहते हैं कि योगी जो होता है वही सबसे उत्तम होता है वह तपस्वियों से भी उत्पन्न उत्तम होता है वह ज्ञानियों से भी उत्तम होता है और वह कर्मियों से भी उत्तम होता है और योगियों में भी जो सर्वोच्च योगी होता है वह वो योगी होता है जो कि मुझसे जुड़ा रहता है अर्थात श्रीकृष्ण से जुड़ा रहता है और श्री कृष्ण के द्वारा वह अपनी भीतरी दिव्यता को प्राप्त करता है तो इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं कि योगी बनो योग ही सर्वोच्च प्राप्ति है योग के द्वारा दिव्यता के साथ में जुड़ जाओ और इस प्रकार से तुम भी दिव्य हो जाओगे और तुम भगवान बन जाओगे तो वही बात है जो कि श्री कृष्ण छठे अध्याय को अंत में कहते हैं आशा करता हूँ कि मैंने छठे अध्याय को आपको अच्छे से समझा दिया होगा चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं नमस्ते वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव क्यू एन ए सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं जय श्री कृष्ण